मध्य प्रदेश में आए दिन कांग्रेस विधायक छिटक छिटक कर गिर रहे हैं, पुरानी पार्टी छोड़ बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस ऐसा है कि ये एहसास दिला सकते हैं कि कांग्रेस की कमलनाथ सरकार वापस प्रदेश पर काबिज होगी। हाल ही में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, जिसके बाद जीतू पटवारी ने फिर दावा किया कि उपचुनाव के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की वापसी होगी। ये कॉन्फिडेंस उस वक्त दिखाया है जब कौन सा विधायक कब कांग्रेसी से भाजपाई हो जाए कोई कह नहीं सकता। फिर भी पटवारी ऐसा बयान देकर चौंका रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस कहा नहीं जा सकता, पर ये एटीट्यूड जो भी है इसका राज खोल दिया है कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। नरोत्तम मिश्रा ने पटवारी के इस कॉन्फिडेंस की वजह साफ कर दी है। बकौल कैबिनेट मंत्री, पटवारी ने बयान इसलिए दिया है ताकि पार्टी से टूट रहे विधायकों को रोक सके। नरोत्तम का कहना है कि इस कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस की वापसी की बात कहकर पटवारी अपने विधायकों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में दोबारा कांग्रेस की सरकार होगी, इसलिए पार्टी बदलना बेवकूफी हो सकता है। जब वो मुख्यमंत्री थे तब पूरे नहीं पहुंचते थे, कांग्रेस विधायकों का उन पर विश्वास कभी नहीं रहा। जब तब नहीं रहा तो अब कहां से रहेगा। जब राजभवन में शपथ ली थी तब सरकार नहीं बचा पाए, अब कहां से ले लेंगे। पहले राजभवन में ही तो ली थी ना शपथ, किसने रोका था कि अपनी पार्टी को न संभालो। अब न संभाल पाए तो फिर दूसरों पर दोष क्यों दे रहे हो। कॉन्फिडेंस है ही नहीं, ये सिर्फ जाहिर कर रहे हैं जिससे बाकी के और नहीं भग जाएं। ये जो राजभवन की शपथ का कहना है ये सिर्फ इसलिए कि भगदड़ रुक जाए और विधायक भ्रम में आ जाएं। कमलनाथ जी को ये नहीं मालूम कि वो आपके साथ 1.5 साल रहे हैं, वो भ्रम में नहीं आने वाले। अब वो जान गए आपकी क्षमताओं को और आपके मैनेजमेंट को। ये अंदाज इसलिए अपनाया गया है ताकि कांग्रेस को और नुकसान ना हो। वैसे इसे साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जा सकता है। देखते हैं कांग्रेसी विधायकों पर इसका क्या असर होता है।